What's up everyone, welcome back to the channel. तो guys, हम लोग accountancy को almost half yearly syllabus तक complete कर चुके हैं. एक आधा chapter अब आपका और बचा है और आज मैं आपको बहुत ही important chapter के basics कराने वाला हूँ, जिसका नाम है the bank reconciliation statement. बहुत ही important, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान चैप्टर. सारे बेसिक्स मैं आपके कवर करा दूंगा और मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. दिस इज माय प्रॉमिस टू यू. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं हम इस शानदार चैप्टर को. लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग बिल्कुल बेसिक्स के साथ कि हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है. तो देखो यार, सबसे पहले समझो बैंक रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन का मतलब होता है बैंक की जो स्टेटमेंट है उसको रिकंसाइल करना. रिकंसाइल मतलब मैच करना. सर किससे मैच करना है? देखो बच्चों, एक बात समझो, हमारी जितनी भी बैंक ट्रांजैक्शंस होती है ना, चाहे बैंक से पैसा निकालना है, चाहे बैंक में कोई चेक जमा करना है, चाहे किसी को बैंक से पेमेंट करना है, चाहे कोई बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया, चाहे कोई बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, मल्टीपल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारे बिजनेस में हमें देखने को मिलती हैं. वो सारी की सारी बैंक ट्रांजैक्शंस दो तरीके से रिकॉर्ड करी जाती है. एक तरीके से तो बिजनेसमैन खुद रिकॉर्ड करता है. फॉर एग्जाम्पल चिंटू बिजनेसमैन है, एक तरीके से तो चिंटू खुद रिकॉर्ड करेगा. सर कहाँ पर रिकॉर्ड करेगा? चिंटू रिकॉर्ड करेगा अपनी कैशबुक बैंक कॉलम में. तो चिंटू अपनी कैशबुक के बैंक कॉलम में उसके बैंक में होने वाली हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? सिमिलरली जो चिंटू का बैंक होगा, जो चिंटू का बैंक होगा, लेट सपोज चिंटू की जो बैंक है वो है HDFC, तो जो HDFC बैंक है वो भी अपने पास रिकॉर्ड करेगा और उसको बोलेगा पासबुक. तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो दो जगह रिकॉर्ड होती है, कैशबुक में भी और पासबुक में भी. कैशबुक में चिंटू खुद करता है, पासबुक में कौन रिकॉर्ड करता है? पासबुक में बिजनेस का बैंक रिकॉर्ड करता है, राइट? अब देखो समटाइम्स क्या होता है, जैसे आपने कोई पेमेंट करा 30th मार्च को, आपने किसी को चेक काट के दिया 30 मार्च को, चिंटू ने चिंटी को एक चेक काट के दिया, तो चिंटू तो इमीडिएट अपनी कैशबुक में एंट्री कर देगा बाय चिंटी और लिख देगा 31st मार्च को संडे आ गया. दो दिन चिंटी को समय नहीं लगा, चिंटी चेक लेके गई 4 अप्रैल को. अब 31st मार्च को ईयर एंड हो गया, जब चिंटू अपनी बुक्स मिला रहा है तो उसके हिसाब से उसके बैंक में पैसा कम है क्योंकि उसने चिंटी को पेमेंट किया हुआ है, और उसके बैंक के हिसाब से अभी पेमेंट वो हुआ नहीं है. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चिंटी वो चेक लेके ही नहीं आई अभी, राइट? तो मुझे बताओ कि डिफरेंस आ जाएंगे दोनों स्टेटमेंट्स में. अब दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस आ गया, इनको मैच करना चाहिए. इनको मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनती है उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं. अब मैच ना होने के मल्टीपल कारण हो सकते हैं. कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई चेक जमा करा, अभी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, आपने पहले ही प्लस कर लिया, ये डिफरेंस का कारण हो सकता है. बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपने रिकॉर्ड नहीं करा, ये डिफरेंस का कारण हो सकता है. आपने एक ऑटो पेमेंट का लिंक लगाया हुआ था, आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम हर 30 तारीख को कट जाना चाहिए, वो कट गया, आपने रिकॉर्ड नहीं करा, डिफरेंस आ जाएगा. तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी पासबुक में बैलेंस कुछ और आएगा और आपकी कैशबुक में बैलेंस कुछ और आएगा. तो अब इनको मैच करने के लिए बच्चों जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको हम BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है? अब BRS के क्या रूल्स हैं, आ जाओ हम सबसे पहले रूल्स लिखेंगे. रूल नंबर 1 बेटा, वी विल ऑलवेज बी फॉलोइंग द पासबुक. हम लोग हमेशा बच्चों पासबुक को फॉलो कर रहे होंगे, यानी जो पासबुक का बैलेंस है ना, हमें अपना बैलेंस वो बनाना है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है. ये BRS कोई भी सही या गलत वाली स्टेटमेंट नहीं है, ये BRS सिर्फ मैच करने के लिए बनाया जाता है. तो मैच करने के लिए हमें अपना बैलेंस पासबुक से मिलाना है, ये हमारा पर्पज है. दूसरा नियम क्या है बच्चों, सेकेंड रूल याद रखना, जो आपकी कैशबुक है
आपकी कैशबुक में डेबिट साइड प्लस होती है, क्रेडिट साइड माइनस होती है, लेकिन जो आपकी पासबुक है, आपकी पासबुक में डेबिट साइड माइनस होती है और क्रेडिट साइड प्लस होती है। देखो जब आपके बैंक में पैसा आता है ना, तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो क्रेडिट साइड प्लस होती है बैंक के हिसाब से। आपके हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट साइड प्लस होती है। तो याद रखना, कैशबुक में डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है, पासबुक में क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट माइनस होता है। ओके, तीसरी चीज जो आती है हमारे पास नंबर थ्री, वो आता है मेन फॉर्मेट ऑफ BRS। अब मैं आपको जो चीजें आज बताऊंगा ना, बहुत ध्यान से बच्चों इसको समझ लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। फॉर्मेट ऑफ BRS इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी किताबों में बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मेट बना हुआ है, मैं उसमें बिलीव नहीं रखता। मेरे हिसाब से तो चार लाइन का फॉर्मेट है इसको, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, ठीक है। सपोज क्वेश्चन शुरू हुआ, आपको गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब बच्चों अगर खाली बैलेंस लिखा हुआ है तो आप प्लस साइड में लिख दोगे, अगर डेबिट बैलेंस लिखा है तो भी आप प्लस साइड में लिख दोगे, अगर फेवरेबल बैलेंस लिखा है तो भी आप प्लस साइड में ही लिख दोगे, ठीक है। तो या तो ये होगा, और या फिर ऐसे लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा है अनफेवरेबल बैलेंस, या फिर ऐसे लिखा है ओवरड्राफ्ट। तो इसमें से कुछ भी है तो आप माइनस में लिख दोगे। तो सबसे पहले तो बैलेंस लिखना सीखो, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, खाली बैलेंस दिया हुआ है तो प्लस में आएगा, नेगेटिव बैलेंस लिखा हुआ है, अनफेवरेबल लिखा है, ओवरड्राफ्ट लिखा है तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब समझो कि क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा। ऐड होता है सबसे पहले चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बच्चों प्लीज इसका ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट बहुत देखने को मिलेगी, इशूड नॉट प्रेजेंटेड, इशू कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि सपोज करो, देखो कैशबुक और पासबुक में सेम बैलेंस होना चाहिए भाई, दोनों मेरे ही तो खाता है, एक मैं बना रहा हूँ एक बैंक बना रहा हूँ। सपोज मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में 1,00,000 है, बैंक के हिसाब से भी 1,00,000 है, और हम कब बना रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं, 31 मार्च को। मैंने क्या करा, 29th ऑफ मार्च को एक पेमेंट करा 20,000 रुपये का, 29th ऑफ मार्च। तो 29th ऑफ मार्च को अगर मैंने पेमेंट किया होगा तो मैंने अपने पास से 20,000 माइनस कर दिए होंगे, इसको मैंने बोला चेक इशूड, राइट। अब मैंने जिसको चेक दिया उसने चेक बैंक में लगाया ही नहीं, उसने तो जाके लगाया ही नहीं चेक। जब तक वो चेक नहीं लगाएगा मेरे बैंक से पैसा थोड़ी ना कटेगा। पैसा कब कटेगा? जब सामने वाला चेक लगाएगा तब मेरे बैंक से पैसा कटेगा, ना उसने मुझे बताया। अब मेरे हिसाब से 31 मार्च को मेरे अकाउंट में 80,000 हैं, बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं है, बैंक के हिसाब से 1,00,000 ही हैं, बैंक ने बोला 1,00,000, तो मिसमैच हो गया। अब मुझे बताओ इसको मैच करने के लिए क्या करूं? इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब चेक लगेगा तो लगेगा, तो मुझे अपना ही सही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 80 में फिलहाल ये 20,000 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो अपने आप ये 1,00,000 1,00,000 मैच हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। जब वो चेक लगाएगा बैंक माइनस करेगा तो मैं भी माइनस कर दूंगा यार, जब करेगा तब की तब देखेंगे, वी विल ऑलवेज बी फॉलो पासबुक, हाँ या ना, ठीक है। तो फिलहाल क्या करना पड़ेगा, फिलहाल मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इशू कर दिया, मैंने माइनस करा होगा लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो उसको वापस से क्या करो, ऐड करो, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, दूसरी चीज जो प्लस होती है वो होती है एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। कोई भी इंक्रीज बैंक बैलेंस में, मतलब आपका बैंक बैलेंस किसी भी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। सर किसी भी तरीके से क्या मतलब? किसी भी तरीके से मतलब है कि एनी हाउ किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके खाते में पैसा जमा करा दिया, ठीक है, आपके अकाउंट में बैंक ने कोई बैंक इंटरेस्ट दे दिया, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। पासबुक बढ़ गया तो आपको भी बढ़ाना चाहिए ना, तो आप भी क्या करोगे, प्लस कर दोगे।
तो बेटा कोई भी इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने चेक इशू करा, प्रेजेंट नहीं हुआ, आपने अननेसेसरी माइनस किया हुआ है, वापस जोड़ दो, ऐड कर देंगे. कोई भी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस है, ऐड कर देंगे. राइट, लेस क्या होता है? बस ये दो ही चीज़ें ऐड होती हैं बच्चों. लेस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या फिर कलेक्टेड या फिर क्लियर्ड. हमने चेक जमा किया था, हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया, ध्यान से समझना, हमने चेक जमा किया. फॉर एग्जांपल कैश बुक भी 1 लाख, पासबुक भी 1 लाख. अब हुआ क्या, 29th को वापस से 29th मार्च को मैंने 20,000 जमा करे, डिपॉजिट करा, तो मैंने प्लस कर दिया होगा अपने पास. अब मैंने जमा करा, मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन बैंक की तरफ से वो अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुआ. डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, तो मेरे हिसाब से तो 120 है, बैंक के हिसाब से अभी 1 लाख ही है. तो 120 को 1 लाख बनाने के लिए क्या करूँ? क्या मैं यहाँ से माइनस करूँ 20,000? मैच हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इसको क्या बोलते हैं? चेक डिपॉजिटेड लेकिन बैंक ने मुझे अभी क्रेडिट या कलेक्ट या क्लियर नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे. तो डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड कलेक्टेड क्लियर क्या होता है? माइनस होता है. इसके बाद क्या होगा बच्चों, दूसरी चीज, एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस में अगर कोई भी डिक्रीज है, सर डिक्रीज से मतलब कोई डायरेक्ट पेमेंट हुई है, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, या किसी भी तरीके की कोई पेमेंट है, बैंक ने कोई बैंक चार्जेस लिए, कोई इंटरेस्ट लिया, सबसे बैंक बैलेंस कम होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. देखो बस इतना सा BRS है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड पता होना चाहिए, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड पता होना चाहिए. कोई भी बैलेंस बढ़ रहा है अगर बैंक में तो आप भी बढ़ाओगे, कोई भी बैलेंस कम हो रहा है बैंक में तो आप भी घटाओगे. सिंपल, आपका ये सब करके जो बैलेंस है वो किससे मैच कर जाएगा? आपके पासबुक से मैच कर जाएगा, क्योंकि कैशबुक और पासबुक में यही तो डिफरेंसेस थे, या आपने ठीक कर दिए तो आपका बैलेंस आ गया. अब बैलेंस बच्चों किसी भी साइड आ सकता है, बैलेंस आपका इधर भी आ सकता है, बैलेंस आपका इधर भी आ सकता है, तो आपको वही सिंपली बड़ी साइड में से छोटी वाली साइड माइनस करनी है, तो आपका बैलेंस आ जाएगा. ठीक है, ये आपका टोटल हो जाएगा. देखो जी, ये हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है BRS का. लो, फॉर्मेट तुम समझ गए, रूल्स तुम समझ गए, तुम्हें BRS में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आने वाली है नहीं. तुम बड़े ध्यान से फॉर्मेट्स को समझ के चलो, रूल्स को समझ के चलो, सारी चीज़ें एकदम परफेक्शन के साथ क्लियर हो जाएंगी. ठीक है ना? तो दिस इज़ हाउ BRS इज़ प्रिपेयर्ड. बेसिक फॉर्मेट मैंने आपको समझाया, इस फॉर्मेट पे बेस्ड तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बट मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा पहले, बट तुम फॉर्मेट समझो आज, है ना. ये फॉर्मेट हो गया, अपनी बुक उठाना, शुरू के 1-2-3 इलस्ट्रेशंस जरूर ट्राई करके देखो, देखो इसी पे बेस्ड तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे. राइट, कल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के आपको सारे करा दूंगा और BRS समाप्त. BRS में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इतना ही है BRS. ठीक है, इस तरीके से BRS बनता है बच्चों. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप तुम्हें प्रायोरिटी पे कौन सी वीडियोस की जरूरत है एज़ पर योर हाफ एडीज, हम लोग उसको फटाफट से कवर कर देंगे. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन. कल मिलते हैं, कल BRS खत्म करेंगे, डेप्रिसिएशन तुम लोग बोलोगे तो शुरू करेंगे, नहीं तो फिर इकोनॉमिक्स पे चलते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन.